सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू पोके नंबर जोन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गेंगार की स्टोरी के बारे में और गेंगार के ट्रेनर और एश ने गेंगार को कैसे पकड़ा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जो आपके स्क्रीन के सामने येलो टी शर्ट वाला, वो गेंगार का ट्रेनर है जिसने गेंगार को छोड़ दिया था प्रोफेसर की लैब के सामने, और गेंगार को यह कह के छोड़ दिया था कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, तुम यहीं पर रुके रहना। और गेंगार बहुत सारे दिनों तक वहाँ पर रुका, बहुत सारे दिन नो तक रुका रहा, बहुत सारी रातों तक भी रुका रहा गेंगार। और फिर गेंगार प्रोफेसर की लैब के अंदर चला गया और प्रोफेसर और बाकी सारे लोगों को गेंगार ने डराना शुरू कर दिया था। फिर गेंगार की मुलाकात हुई एश कैचम से। एश ने गेंगार को पकड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन गेंगार भाग गया। फिर दूसरी बार एश की मुलाकात हुई गेंगार से प्रोफेसर की लैब में, और वो इनविजिबल था और उसने पिकाचू के ऊपर हमला भी बोला था लेकिन एश ने बचा लिया था उस वक्त। और फिर गेंगार एश की परछाई में चला गया। एश की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और वो प्रोफेसर की लैब से चला गया, और उसके बाद वो गेंगार के ट्रेनर से टकराया। और गेंगार भी एश के शेडो में था तो गेंगार ने अपने ट्रेनर को देख के बहुत गुस्सा है और गेंगार ने अपने ट्रेनर के ऊपर हमला बोल दिया। और फिर एश ने गेंगार के ट्रेनर को बचाया। फिर गेंगार भाग गया और टीम रॉकेट ने उसे पकड़ लिया वैक्यूम में, और फिर एश और पिकाचू ने बचा लिया फिर से गेंगार को, और गेंगार और एश ने मिलके टीम रॉकेट को वापस से उड़ा दिया। और फिर जैसे ही गेंगार और ऐश हाथ मिलाने गए वैसे ऐश बेहोश हो गया। फिर अगली सुबह ऐश ने जब उठा तब उसने देखा कि उसके बेड के यहाँ पे एक सेब और एक पोकेबॉल था। तो गेंगार चाहता था कि ऐश और उसकी लड़ाई हो। आखिरकार ऐश ने गेंगार को पकड़ लिया। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।